please subscribe my channel and click bell icon to see more health videos. ब्रेन स्ट्रोक के बाद हाथ और पैर में पैरालिसिस हो जाता है. इसे होने के बाद से डेली लिविंग एक्टिविटीज जैसे चलना, खुद से तैयार होना और या फिर खाना खाना जैसी एक्टिविटीज करने में पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक रिहैबिलिटेशन थेरेपी है जिसे मिरर थेरेपी कहते हैं, जिसमें मिरर को हाथों या पैरों के बीच में रखा जाता है जिससे नॉन अफेक्टेड लिम्ब यानी कि जो हाथ या पैर ठीक है उसके मूवमेंट की इमेज ये इल्यूजन देती है कि अफेक्टेड लिम्ब पर भी नॉर्मल मूवमेंट हो पा रहा है. बाय दिस सेटअप ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस जैसे मूवमेंट के लिए, सेंसेशन के लिए और पेन के लिए, ये सभी रीजंस धीरे धीरे स्टिमुलेट होने लगते हैं जब आप मिरर थेरेपी डेली बेसिस पर यूज करते हैं. चलिए अब बात करते हैं हाउ इज मिरर थेरेपी एडमिनिस्टर्ड एट होम, यानी किस तरीके से मिरर थेरेपी को घर पर ही किया जा सकता है. मिरर थेरेपी को बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. पहली एक मिरर जिसका मिनिमम साइज 12x18 होना चाहिए और इसके अलावा एक कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी. कार्डबोर्ड का साइज भी इतना होना चाहिए कि इसमें आपका अफेक्टेड हैंड आसानी से आ जाए. ऐसे कार्डबोर्ड आप आसानी से घर पर ही मिल सकते हैं. कार्डबोर्ड को आपको नीचे वाले पोर्शन को कट करना है और उस पोर्शन को भी कट करना है जिस तरफ से आपको अपना अफेक्टेड हैंड अंदर डालना है. कार्डबोर्ड के पोर्शन को कट करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. अब बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर मिरर थेरेपी. मिरर थेरेपी के लिए सबसे पहले टेबल के ऊपर एक व्हाइट शीट बिछा दीजिए. उसके बाद बॉक्स को और मिरर को दोनों को इस तरीके से एक साथ रख दीजिए. प्रिपरेशन के बाद अब बात करते हैं व्हाट कैन बी डन इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के सामने क्या क्या मूवमेंट्स और एक्शंस किए जा सकते हैं. मिरर के सामने बहुत तरह से मूवमेंट और एक्शंस किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप नॉन अफेक्टेड साइड से मूवमेंट करेंगे तो इसी के साथ अफेक्टेड साइड से भी आपको मूवमेंट करने की कोशिश करनी है, तभी मिरर थेरेपी का फायदा होगा. क्योंकि दोनों साइड एक साथ मूवमेंट करने पर ही अफेक्टेड साइड के ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे. मूवमेंट शुरू करने से पहले आराम से चेयर पर बैठ जाइए. इसके बाद अपने अफेक्टेड हाथ को बॉक्स के अंदर इस तरीके से रख दीजिए. अब अपने चीक वाले हाथ को मिरर के सामने ले आइए. अब मूवमेंट करना शुरू करते हैं. सबसे पहले कलाई पर शुरू करेंगे. कलाई को ऊपर लाइए, नीचे लाइए, ऊपर लेकर आइए, नीचे लाइए. इस मूवमेंट को आप 5 बार करिए. नीचे लेकर आइए, ऊपर लाइए, नीचे लेकर आइए. आप अपनी उंगलियों को फैलाइए, सुकुड़िए, फिर से करेंगे, सुकुड़ेंगे, फिर से एक बार और, एक बार लास्ट बार, फिर से वापस. आप अपनी मुट्ठी बनाइए. मुट्ठी को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे. जो भी आप मूवमेंट करेंगे इस मूवमेंट को सिर्फ आपको शीशे के अंदर देखना है, ना कि अपने अफेक्टेड लिम्ब को देखना है. शीशे में जब आप देखेंगे तब आपको ये इल्यूजन होगा कि आपके अनअफेक्टेड लिम्ब के साथ आपका अफेक्टेड लिम्ब भी मूव कर रहा है. इसके बाद अपनी बाजू को बाहर लेकर आइए, अंदर लाइए, बाहर, अंदर, फिर से बाहर, अंदर, बाहर, अंदर. आप अपनी कोहनी को मोड़िए, वापस लाइए, फिर से कोशिश करिए ऊपर लाने की, वापस नीचे लेकर आइए, एक बार और, वापस, फिर से ऊपर लाएंगे, वापस, एक लास्ट बार, वापस. इसके बाद बात करते हैं कि मिरर के सामने आप क्या क्या हैंड एक्शंस कर सकते हैं. हैंड एक्शंस में आप मुट्ठी को बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, ऐसा आप 5 बार करिए.
खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। उसके बाद अपनी फिंगर्स को टेबल के ऊपर इस तरीके से टैप करिए। इसके अलावा आप अंगूठे से अपने फिंगर्स को बारी बारी से इस तरीके से टच करिए। इसके अलावा कुछ टास्क भी हैं जो आप मिरर के सामने कर सकते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रिप के साथ उठाना। आप ग्लास को इस तरीके से भी उठा सकते हैं और फिंगर और थंब की सहायता से भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग टेक्सचर के ऑब्जेक्ट्स को भी टच कर सकते हैं। ये कॉटन है, आप इसको टच करके या फील करके देखिए। साथ ही साथ आप वेलवेट के कपड़े को भी टच करिए और फील करिए। एक ऐसा सर्कुलर चीज लीजिए, इसे थंब और फिंगर की सहायता से हाथ में इस तरीके से घुमाइए। ये भी एक टास्क है जिसे आप मिरर के सामने कर सकते हैं। एक बड़ी सी बॉल लीजिए और इसे अपने हाथ में उठाने की कोशिश करिए। इसे एक जगह से दूसरे जगह पर रखने की कोशिश करिए। ये सब मूवमेंट करने के साथ साथ आपके फिंगर मूवमेंट भी ठीक होंगे और साथ ही साथ आपके स्किन सेंसेशंस भी इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं हाउ मच ड्यूरेशन शुड मिरर थेरेपी लास्ट, मतलब कितने समय तक आपको मिरर थेरेपी अपने अफेक्टेड लिम के लिए यूज करनी चाहिए। अब तक की बहुत सारी स्टडीज में 4 वीक्स के प्रोटोकॉल में मिरर थेरेपी को यूज किया गया है और हर वीक में मिनिमम 5 डेज के लिए इसे दिया गया है। अगर टाइम की बात करें तो रोज कम से कम आधे घंटे इसे करें तो ये थेरेपी अफेक्टेड लिम में मूवमेंट लाने में काफी इफेक्टिव होती है।